गाइस, तो आज है डे फाइव और डे फाइव का पहला क्वेश्चन आईआईटी कानपुर 2024 से रिलेटेड है। ओके, तो गाइस चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं डे फाइव का। ओके, आईआईटी कानपुर 2024 क्वेश्चन नंबर 23। ओके, आपको गिवन है कि अ प्रोडक्शन प्रोसेस दैट मैन्युफैक्चर ट्रांजिस्टर्स ऑपरेट ऑन द एवरेज एट 2% फ्रैक्शन डिफेक्टिव। A random sample of size 50 is taken from the process. If the sample contain more than 2 defective, the process must be stopped. What is the probability that the process will be stopped? तो गाइस यहाँ पे बेसिकली आपको बोला गया है कि कोई एक प्रोडक्शन यूनिट है जो कि मैन्युफैक्चर करती है ट्रांजिस्टर्स को, और ये जो ट्रांजिस्टर जो मैन्युफैक्चर हो रही है ना, ये डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 2% है। ठीक है, 2% है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है? 2%, मतलब 0.02। ठीक है, और इसी का जो है 50 एक सैंपल उठाया जाता है। ठीक है, 50 एक सैंपल उठाया जाता है। अगर इस सैंपल 50 अगर दो से ज्यादा अगर डिफेक्टिव निकलती है, ठीक है, अगर दो से ज्यादा अगर ट्रांजिस्टर डिफेक्टिव हो, तो इस मैन्युफैक्चर यूनिट को जो है स्टॉप कर दिया जाता है मैन्युफैक्चर होने से। तो वही आपको निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोसेस विल बी स्टॉप्ड। ठीक है, तो वो फॉर्म अगर ये चीज बनाना बंद कर दे, स्टॉप कर दे, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है इन सारी सिचुएशन को देखते हुए। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन गाइस सिंपली ये है कि कोई एक मैन्युफैक्चर फर्म है जो कि ट्रांजिस्टर्स को बनाती है, और उस ट्रांजिस्टर का जो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी वो 2% है, और एक सैंपल एक सर्वे किया जाता है, और उसमें जो है सैंपल 50 सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है। अगर इस 50 में से दो या दो से ज्यादा अगर डिफेक्टिव यूनिट निकलती है, तो उस प्रोसेस को स्टॉप कर दिया जाता है। तो वही प्रोबेबिलिटी निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोसेस विल बी स्टॉप। ठीक है, ओके, तो गाइस आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसको एक बार लिखते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पे आपको गिवन है कि जो डिफेक्टिव रेट है ना, जो डिफेक्टिव रेट है, दैट इज डिफेक्टिव रेट, वो क्या 2% है, मतलब 0.02। तो गाइस एक कॉन्सेप्ट आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहला बाइनोमियल। बाइनोमियल में बेसिकली जिसका टू पॉसिबल आउटकम्स रहे, चाहे वो सक्सेस फेलियर ट्रू फॉल्स, ठीक है, इस टाइप के जब दो पॉसिबल आउटकम्स रहे, तो अब हम लोग वहां पे बाइनोमियल यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, तो एक हिंट यहाँ से मिल रहा है कि ये जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। ठीक है, पहला चीज। बट एक चीज गाइज यहाँ पे देखना कि जो प्रोबेबिलिटी है ना, दैट इज 0.02 है डिफेक्टिव रेट का। बट और जो सैंपल साइज, जो सैंपल साइज जो है ना, ये एन की वैल्यू क्या है, 50 है। ठीक है, सैंपल साइज क्या है, 50 है। ओके, तो गाइस प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है और सैंपल साइज बहुत ही ज्यादा है। तो जब भी अगर ये सिचुएशन बाइनोमियल में अराइज होती है, तब यहाँ पे जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो है काम होता है। ठीक है, ओके, तो बाइनोमियल में जब भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कम रहे और नंबर ऑफ सैंपल ज्यादा रहे, तब हम लोग इसको बाइनोमियल यूज ना करके जो है पॉइजन में यूज करते हैं। ठीक है, जो भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है उस पर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ओके ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है, सैंपल साइज गिवन है, तो क्या मैं इसका मीन निकाल सकता हूँ? ठीक है, मीन नंबर ऑफ द डिफेक्टिव इन द सैंपल, तो बेसिकली मैं मीन वैल्यू निकालता हूँ, मीन नंबर ऑफ, ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ द ऑफ अ डिफेक्टिव आइटम इन द सैंपल, और मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ लेट्स से लैम्डा। गाइस मीन की वैल्यू क्या होता है, एनपी ना, बाइनोमियल का मीन क्या होता है, एनपी, सो दैट इज एनपी, और n की वैल्यू क्या है, 50, और प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.02। ठीक है, 0.02, तो गाइज इस मीन की जो वैल्यू आई ना, वो क्या है, 1 आए। ठीक है, मीन का वैल्यू क्या आ गया, 1 आएगा। ओके, ये तो गाइज आपकी फर्स्ट
कॉन्सेप्ट थी। बट मैंने आपको अभी बताया कि ये दो सिचुएशन को देखते हुए जो है हम लोग पॉइजन को यूज करेंगे। यही बेसिक फंडामेंटल होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन का, कि अगर जब भी अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कम आए और सैंपल साइज ज़्यादा रहे इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, तब हम उसको पॉइजन में यूज करते हैं। तो गाइस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला आप सबको पता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू के, ओके, एक्स इक्वल टू के इज इक्वल टू क्या होता है, ई पे पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पे पावर के, और डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल। लैम्डा इज द एवरेज रेट और के इज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, ठीक है। के इज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स और जो लैम्डा है दैट इज द वैल्यू ऑफ मीन, ओके। बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेक्टिव रेट शुड बी ग्रेटर देन टू, ठीक है। तभी तो गाइस वो मैन्युफैक्चर फर्म अपने प्रोडक्शन यूनिट को बंद कर देगा। कब? जब दो या दो से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम्स हो, मोर देन टू डिफेक्टिव आइटम्स हो। तो एक्चुअली में हमें ये निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि एक्स इज ग्रेटर देन टू, ओके। तो क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू टू। गाइस प्रोबेबिलिटी की बेसिक रूल, ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन टू है दैट इज टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन टू, और टोटल का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी दैट इज वन। सो इसीलिए वन माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू टू, ठीक है, एक्स लेस देन टू, ओके। तो गाइस अब हमें सबसे पहले ये वैल्यू निकालना है, देन वन माइनस ये वैल्यू कर देंगे तो हमें इसकी जो है वैल्यू मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू टू। तो इसका क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू जीरो प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू वन प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू टू समेशन टिल टू, ठीक है, ओके। अब गाइज यहाँ पे आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करो हर एक इंडिविजुअल पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, ई पे पावर माइनस लैम्डा, बट लैम्डा की वैल्यू वन है, सो माइनस वन इंटू लैम्डा दैट इज वन पे पावर जीरो, ठीक है, वन पे पावर जीरो डिवाइडेड बाय जीरो फैक्टोरियल, ठीक है। तो गाइज जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको आएगा ई पे पावर माइनस वन। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू वन, ठीक है, उसी तरह से एक्स इक्वल टू वन पे वैल्यू निकालनी है, सो दैट इज ई पे पावर माइनस वन इंटू वन पे पावर वन डिवाइडेड बाय वन फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया, ये भी ई पे पावर माइनस वन आएगा। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू टू, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई पे पावर माइनस वन वन पे पावर टू डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ई पे पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय टू आएगा। तो गाइस ये तीनों को ऐड करना है, ठीक है, ये तीनों को ऐड करना है, ओके। तो जब ये तीनों को हम लोग ऐड करेंगे गाइस, ठीक है, दैट इज प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन टू, ठीक है, जब ये तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू आएगा ई पे पावर माइनस वन फाइव बाय टू, ठीक है गाइस। सिंपल एडिशन करना, सिंपल एडिशन, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस। तो गाइस मुझे जो है ये वैल्यू पता चल गया, बट हमें तो चाहिए ये वाला ना, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन टू की वैल्यू क्या है, वन माइनस दिस, वन माइनस दिस, ठीक है। तो जस्ट गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन टू इसका वैल्यू वन माइनस दिस, यहाँ पे जस्ट पुट कर देंगे फाइव बाय टू ई पे पावर माइनस वन। तो गाइस यही आंसर जो है आपका, एक ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल मैच कर रहा है एज इट इज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस इसका करेक्ट जो आंसर है वो ए होगा। तो गाइस इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था वो क्या था कि बाइनोमियल को देखते हुए आपको पॉइजन लगाना है। कब लगाना है, जब प्रोबेबिलिटी के वैल्यू बहुत ही कम रहे और सैंपल साइज बहुत ही ज्यादा रहे, तब हम लोग जो है यहाँ पे
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। और गाइस आपको सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का जो फॉर्मूला है वो याद होनी चाहिए, देन यू विल गेट द आंसर प्रॉपरली, अदरवाइज नो। ओके, तो गाइस मैंने वही चीज यहाँ पे किया है, मैंने जस्ट इस क्वेश्चन को रीड करके सबसे पहले मैंने पकड़ा कि ये बाइनोमियल है। क्यों बाइनोमियल है? क्योंकि ये जो है ये डिफेक्टिव के बारे में बता रहा है, चाहे डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव, मतलब टू पॉसिबल आउटकम्स। तो मैं समझ गया कि ये बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। बट मैंने यहाँ पे देखा कि प्रोबेबिलिटी काफी कम है और सैंपल साइज काफी ज्यादा है, तो मैं दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया कि अब जो है मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, बल्कि मैं यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का गाइस आपको फॉर्मूला पता है और आपको निकालना था ये वाला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन टू, तो इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो गाइस जस्ट आपको वैल्यूज निकालना है एंड देन यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर ए। ओके ओके गाइस, सो नेक्स्ट वीडियोज में फिर आई आई टी के प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। ओके ओके गाइस, थैंक यू।